नमस्कार, मैं अंशुमान शर्मा। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर अनुराग चौहान, जो जीआर मेडिकल कॉलेज के सर्जरी विभाग में प्रोफेसर है, साथ ही यहाँ की मेडिकल टीचर्स एसोसिएशन के अभी हाल ही में चुनाव हुए हैं, तो सचिव नियुक्त हुए हैं। तो हम सर से बात करेंगे कि सर, मेडिकल टीचर्स एसोसिएशन को लेकर आपकी क्या नीति है? देखिए, मेडिकल टीचर्स एसोसिएशन एक पुरानी संस्था है, जो टीचर्स या जो डॉक्टर्स गजरा राजा चिकित्सा महाविद्यालय में काम कर रहे हैं, ये उन्हीं डॉक्टर्स की एक संस्था है जो बच्चों को पढ़ाते हैं और जो डॉक्टर भी हैं, मतलब जो टीचर भी हैं और डॉक्टर भी हैं। तो ये संस्था उन्हीं के हितों के लिए बनाई गई है। मैं अभी इसी जो 2024 से 2026 की जो कार्यकारिणी है, उसमें अभी सचिव निर्वाचित हुआ हूँ। मेरी जो सर्वप्रथम प्राथमिकताएं यही रहेंगी कि हम जो डॉक्टर्स हैं उनके स्ट्रेस को लेवल को कम करें। जो उनके आवास एक बहुत बड़ी समस्या है, जैसे कि कई लोगों को अपने घर उनको कैंपस में नहीं मिल पाया है, तो काफ़ी दूर से उनको इमरजेंसी डील करने के लिए आना पड़ता है। जो भी हमारी समस्याएं हैं, जैसे DACP में कुछ विसंगति हैं, कुछ प्रमोशन में विसंगति हैं, कुछ DACP का एरिया नहीं मिल पा रहा है, तो इस टाइप की समस्याओं को प्रमुखता से उठाना और हमारे चिकित्सकों को, चिकित्सा शिक्षकों को जितना जल्दी हो सकता है इसका लाभ दिलवाना। तो हम प्रादेशिक स्तर पे और अपने कॉलेज के स्तर पे जो भी प्रयास होने हैं वो हम सब कर रहे हैं और आगे करेंगे भी। सर, यहाँ मारपीट के मामले ज्यादा आते हैं, लड़ाई झगड़े के मामले ज्यादा आते हैं, तो ऐसी स्थिति में आप सुरक्षा या कितना बड़ा मुद्दा है? बहुत ही बड़ा मुद्दा, आपने बहुत अच्छा प्रश्न उठाया है ना। सुरक्षा कम से कम ग्वालियर क्षेत्र में एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है, जो हम डॉक्टर्स को लगातार इसको फेस करना पड़ रहा है। इसके लिए हम अपने जिला स्तर पे भी और प्रशासनिक स्तर पे भी सब लोगों से सामंजस्य बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इस मुद्दे को हम बार बार उठा भी रहे हैं, डीन सर से भी उठा रहे हैं, SP से, कलेक्टर से, सभी से हम लगातार इस मुद्दे पे चर्चा पे हैं, ताकि जल्दी से जल्दी इसका निराकरण किया जाए। जी सर, OPD के बाहर वार्ड बॉय की कमी भी अक्सर देखी गई है, तो ये मुद्दा लेके जाएंगे आप? बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, ये हमारे आंतरिक लेवल पे है। इसके लिए भी हमने सुपरिंटेंडेंट सर से रिक्वेस्ट करी है कि आप OPD दोनों में इस चीज को सुगम बनाएं मरीजों के लिए। थैंक यू सर, धन्यवाद।